गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं ओम प्रकाश जगुका संकल्प क्लासेस बाड़मेर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्रतिभागियों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पूर्ववत बताया जाता रहा है, इस मंथ से 14 अक्टूबर को राजस्थान में संगणक का जो पेपर आयोजित होना सुनिश्चित है, उसके पूरे सिलेबस के टॉपिक वाइज जो प्रश्न है वो आपको इस मंथ से प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो आज के इस सीरीज में अर्थशास्त्र विषय का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नेशनल इनकम, उसके जितने मैक्सिमम संभावित क्वेश्चन है और अधीनस्थ बोर्ड ने जो तीन पेपर लगे हैं 2011 में, 2018 और 21 में, उसमें इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन पूछे हैं या और भी निकायों ने विविध एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे हैं उन सभी को शामिल करते हुए आज की ये प्रश्नोत्तरी है। तो आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। और ये मैं मेरे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर आपको कह सकता हूँ कि ये टॉपिक आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खासा महत्व रखता है। तो दोस्तों, और इस बीच जो ऑनलाइन जुड़े हैं उन सभी का स्वागत, क्योंकि समय की सीमा है इसलिए अविलंब हम आज के इस प्रश्नोत्तर पर बात करते हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रीय आय टॉपिक का आज की श्रृंखला का पहला क्वेश्चन, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके संगणक के एग्जाम में भी क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो देखिए, आजादी के बाद वैसे तो भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अध्ययन किया था 1868 में दादा भाई नौरोजी ने, लेकिन आजादी के बाद अगर सबसे पहला अध्ययन की बात करें, स्वतंत्रता के बाद एनआई का यानी नेशनल इनकम का प्रथम अनुमान तो ये लगाया था 1948 में भारत के वित्त मंत्रालय ने। लेकिन आजादी के बाद भारत में विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज को ड्राइव करने की जिम्मेदारी अलग अलग संस्थाओं को दी गई। तो भले ही राष्ट्रीय आय का अनुमान आजादी के बाद सबसे पहले वित्त मंत्रालय ने लगाया होगा, लेकिन अथोराइज्ड जो संस्था थी वो आजादी के बाद राष्ट्रीय आय समिति थी। 1949 में इसका गठन किया गया और इसके एकमात्र अध्यक्ष थे प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। एग्जाम के लिहाज से ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर टू, आप सभी का इसका जवाब सही है। निम्नलिखित में से व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, ये क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं का, पीडीआई पर डिस्पोजिबल इनकम, पीडीआई का मापक क्या है? तो देखिए, प्रति व्यक्ति प्रयोज्य आय या व्ययोग्य आय जो है उसके दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। एक तो पीडीआई बराबर पर डिस्पोजिबल इनकम बराबर उपभोग प्लस बचत, और एक इसका फॉर्मूला होता है पीडीआई बराबर पर्सनल इनकम लेस देन डीटी यानी डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर। तो एक तो होती है निजी आय यानी प्राइवेट इनकम, हालांकि प्राइवेट इनकम का ही पार्ट पर्सनल इनकम होता है, लेकिन प्रत्यक्ष कर का जो अमाउंट है वो किस से अदा किया जाता है? व्यक्तिक आय से। तो इसका सही फॉर्मूला हो जाएगा व्यक्तिक आय में से और प्रत्यक्ष कर की राशि को घटा दिया जाए तो वो पीडीआई बचता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है और इसका जवाब भी आप सब लोगों ने सही दिया है। ओके, नंबर नेक्स्ट, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसके बराबर होता है? तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, किसी भी अवधारणा की अगर फैक्टर कॉस्ट पर गणना करनी हो तो उसी अवधारणा की बाजार कीमत में से
अप्रत्यक्ष कर की राशि को घटाया जाता है और अनुदान की राशि को जोड़ा जाता है। तो एनएनपीएमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स एड टू सब्सिडी, ये इसका फॉर्मूला होता है और इसको हिंदी में लैंग्वेज के रूप में लिखा हुआ है। तो बाजार मूल्य पर एनएनपी प्लस, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि अप्रत्यक्ष कर घटता है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर टू, बाजार मूल्य पर एनएनपी लेस देन अप्रत्यक्ष कर और एड टू अनुदान यानी सब्सिडी। तो ये बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, आप सभी का जवाब इसका भी सही आ रहा है, अच्छी बात है। इस दैट मीन्स आप नेशनल इनकम के टॉपिक को अच्छे से समझ पाए हैं। बी कंटिन्यू, निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश के लोगों के आर्थिक कल्याण को दर्शाता है, आर्थिक कल्याण को दर्शाता है और वो सूचक कौन सा है? तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, व्यक्तिगत आय, राष्ट्रीय आय, घरेलू आय। तो देखिए, मैंने मानव विकास टॉपिक भी आपको पढ़ाना बाकी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विकास का सूचक होता है HDI और हैप्पीनेस इंडेक्स, खुशहाली सूचकांक। लेकिन डोमेस्टिक लेवल पर इंडिविजुअल चाइना, इंडिविजुअल अमेरिका, इंडिविजुअल इंडिया, इंडिविजुअल पाकिस्तान आदि, ये डोमेस्टिक लेवल पर अपने देश के आर्थिक विकास का सूचक मानते प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को। और यहां पर प्रति व्यक्ति आय एक तो होती है मौद्रिक और एक होती है वास्तविक। तो आकार में हमेशा, यहां पे ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, आकार में हमेशा वास्तविक आय इज ग्रेटर देन मौद्रिक आय, यानी मौद्रिक आय से वास्तविक आय अधिक होती है और राष्ट्रीय आय सूचक नहीं होता, घरेलू आय सूचक नहीं होती। इन दो में से अगर बात करें तो ये तो है व्यक्तिगत आय यानी मॉनेटरी और ये है एक्चुअल। तो राष्ट्रीय आर्थिक कल्याण का जो पुख्ता पैरामीटर माना जाता है वो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। और भूटान वर्ल्ड का पहला कंट्री था जिसने अपने देश के आर्थिक विकास का सूचक हैप्पीनेस इंडेक्स को माना, खुशहाली सूचकांक को माना। और आज लगभग वर्ल्ड की सभी इकोनॉमी इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि वास्तव में आर्थिक विकास का सूचक हैप्पीनेस इंडेक्स होना चाहिए और हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट प्रतिवर्ष आती भी है। ये टॉपिक भी हमें पढ़ना बाकी है, इसका जवाब भी आप सभी का सही है। टू बी नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे विशुद्ध का मतलब हम व्यवहारिक जीवन में शुद्ध बोलते हैं और उसी को अर्थशास्त्र की भाषा में विशुद्ध बोलते हैं। तो विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, तो विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब हो गया एनएनपी। विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो अब देखिए, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, GNP लेस देन डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू NNP। तो GNP में से मूल्य ह्रास की राशि को घटा दें तो NNP ज्ञात होता है और शुद्ध में क्या शामिल नहीं करेंगे तो डेप्रिसिएशन यानी मूल्य ह्रास, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेप्रिसिएशन, उसको शामिल नहीं किया जाएगा। इसका प्रतिउत्तर भी आप सभी का राइट है। नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय लेखांकन में अवस्फीतिक वह उपकरण है जिसमें जिसे प्रयुक्त किया जाता है। देखिए, पहले तो इस क्वेश्चन को समझिएगा। लेटेस्टली आपने एक टॉपिक पढ़ा है मुद्रा स्फीति, और मुद्रा स्फीति और मुद्रा अवस्फीति दो रूप होते हैं मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन के, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और राष्ट्रीय आय के लेखांकन में अवस्फीति वह उपकरण है जिसे प्रयुक्त किया जाता है वस्तुओं और सेवाओं की संरचना में परिवर्तन के समायोजन हेतु, GNP में वृद्धि का लेखा जोखा रखने हेतु और GNP में कमी का लेखा जोखा रखने हेतु और कीमत स्तर के परिवर्तनों को समायोजित करने हेतु। तो देखिए, मुद्रा स्फीति और अवस्फीति का अर्थ
कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तन से है। मुद्रा स्फीति के दौरान कीमत स्तर बढ़ता है और मुद्रा अवस्फीति के दौरान कीमत स्तर घटता है, जबकि मुद्रा स्फीति के दौरान परचेजिंग पावर ऑफ मनी वो गिरती है और अवस्फीति के दौरान परचेजिंग पावर ऑफ मनी बढ़ती है। तो इस स्थिति में अवस्फीति और स्फीति दोनों को अगर आप आईक्यू से भी करते तो कीमत स्तर का संबंध ही मुद्रा स्फीति या अवस्फीति से होता है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 4, और इसका जवाब भी आप सब लोग सही दिए हो। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्माण क्षेत्र में कई बार निर्माण आ जाता है और कई बार विनिर्माण आ जाता है, और यह क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां। जनरली तो राष्ट्रीय आय को मापने की 3 विधियां हैं, उत्पादन, आय और व्यय विधि, और एक विधि और है समाज को आय वर्ग में विभक्त करते हुए राष्ट्रीय आय का आकलन, जिसका नाम है सामाजिक लेखांकन विधि। रिचार्ड स्टोन नामक अमेरिकी अर्थशास्त्री ने इस विधि का प्रादुर्भाव किया था, लेकिन भारत जैसे विकासशील देश में ये विधि अभी इतनी सक्षम नहीं है, अब उत्पादन, आय और व्यय विधि की बात करें तो भारत में मिश्रित विधि अपनाई जाती है, यानी कुछ क्षेत्रों में उत्पादन और कुछ में आय। दैट मीन्स कौन सी विधि नहीं अपनाई जाती? व्यय विधि नहीं अपनाई जाती। तो व्यय विधि जनरली भारत में नहीं अपनाई जाती, लेकिन एकमात्र क्षेत्र निर्माण या विनिर्माण, एकमात्र क्षेत्र है जिसमें राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करने के लिए भारत में और विनिर्माण और निर्माण में व्यय विधि का प्रयोग किया जाता है। जनरली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, और सामान्यतया भारत में इस क्षेत्र को छोड़कर यह विधि नहीं अपनाई जाती। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है, और आप सब लोगों ने इसका भी जवाब सही दिया है। सही दिशा में आप बढ़ रहे हैं, जारी रखें अपने आप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोग व्यय एवं व्यक्तिगत बचत किसके बराबर होती है? उपभोग व्यय और व्यक्तिगत बचत किसके बराबर होती है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आता है। मैं संगणक या और किसी एग्जाम की तो नहीं कहता, लेकिन SST जो द्वितीय श्रेणी अध्यापक एग्जाम है, जो 2010 से आज तक कंडक्ट हुए हैं पेपर्स, उनमें लगातार ये क्वेश्चन, चाहे तो प्रैक्टिकल और चाहे थ्योरेटिकल, किसी ना किसी रूप में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उपभोग प्लस बचत का योग व्ययोग्य आय होता है। उपभोग और व्यय का योग किसके बराबर होता है? व्ययोग्य आय के बराबर। और मैंने इसको क्लास में आपको बताया था, एक व्यक्ति अपनी आय का क्या क्या कर सकता है, तो या तो उपभोग कर सकता है और या कर सकता है बचत, या तो उपभोग कर सकता है या कर सकता है बचत। तो उपभोग और बचत का योग किसके बराबर होता है? व्यय योग्य या खर्च करने योग्य आय के। तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। भरत गुज्जर, आपने इसका जवाब 1 बताया है, ये गलत बात है। व्यय योग्य आय, खर्च करने योग्य आय, इसका सही जवाब है बी, ऑप्शन नंबर बी, उपभोग और बचत का योग। सूरज सिसोदिया, आपका जवाब सही है। व्ययोग्य आय या खर्च योग्य आय उपभोग और बचत का योग होता है। नंबर नेक्स्ट, और इस क्वेश्चन पे तो अपनी बहुत बात हुई थी। अब देखिए, इसी क्वेश्चन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अब इसके 2 सूत्र मैंने आपको बताए थे। यदि व्यक्तिक आय का मतलब पर्सनल इनकम, व्यक्तिक आय 50,000 रुपया है और इनकम टैक्स प्रत्यक्ष कर 2,000 रुपया है, और मैंने आपको व्ययोग्य आय बताई थी, तो इसमें खर्च योग्य आय पूछी है। तो चूंकि
पीडीआई पर डिस्पोजिबल इनकम इज इक्वल टू, हिंदी में लिख देता हूं, व्यक्तिक आय माइनस प्रत्यक्ष कर। तो इस लिहाज से इसका आंसर क्या आएगा, 50,000 रुपया व्यक्तिक आय है और माइनस 2,000 रुपया प्रत्यक्ष कर है, तो इस लिहाज से इसका आंसर आया 48,000 रुपए। अब इसका एक फॉर्मूला और भी होता है, और वो जो दूसरा फॉर्मूला है वो पीडीआई बराबर उपभोग प्लस बचत होता है। अब देखिए इसमें सेविंग दे ही रखी है, सेविंग इसमें दे रखी है 4,000 रुपए, तो यहां पे तो आ गया क्या 4,000 रुपया, और इसमें उपभोग व्यय दे रखा है, तो उपभोग दे रखा है 42,000 रुपए, तो 42,000 रुपए भी उपभोग है, और इसमें एक दे रखा है व्यक्तिगत ब्याज का भुगतान। तो जो आपने कर्जा लिया था उस पर जो इंटरेस्ट देंगे, ब्याज देंगे, वो भी तो खर्चा ही है, उपभोग ही तो है, तो 42,000 प्लस 2,000 प्लस 4,000, तो इस दृष्टिकोण से भी इसका राइट आंसर आता है 48,000। तो ये याद रखना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूत्र के अनुसार भी आपको याद रखना है, और प्रैक्टिकली इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। दैट मीन्स इसका राइट आंसर है 48,000 रुपए। हमें कोई चांस नहीं लेना है, कोई संभावना नहीं छोड़नी है, एग्जामिनर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है, वो दिए गए टॉपिक में से न्यूमेरिकल क्वेश्चन के रूप में या प्रैक्टिकल भी पूछ सकते हैं, जबकि सांख्यिकी और अर्थशास्त्र इन तत्वों को विशेष रूप में महत्व देता है। नंबर नेक्स्ट, हस्तांतरण भुगतान। तो हस्तांतरण भुगतान क्या होता है, एक पक्ष से लिया और दूसरे पक्ष को दिया, तो इससे राष्ट्रीय आय पे क्या प्रभाव पड़ेगा, राष्ट्रीय आय पे कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन किस में चेंज आएगा, हस्तांतरण भुगतान एनआई का भाग नहीं होता, और क्योंकि जीडीपी, जीएनपी और एनडीपी ये तीनों राष्ट्रीय आय तो है भाई, राष्ट्रीय आय कह दो चाहे राष्ट्रीय आय की अवधारणा कह दो, एक ही बात है, और मैंने पढ़ाते समय आपको बताया भी था, राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं राष्ट्रीय आय ही होती हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन उनके मायने, रूप, अर्थ बदल जाया करते हैं, और वो रूप ही आपने पढ़े हैं, और हस्तांतरण भुगतान से राष्ट्रीय आय में तो कोई चेंज नहीं आएगा, शामिल नहीं करेंगे, लेकिन व्यक्तिक आय पे तो फर्क पड़ेगा। जैसे दो लोगों के मध्य सौदा होता है, तो एक ने 10,000 रुपए दिए, दूसरे ने 10,000 रुपए लिए, तो जिसने दिए उसकी 10,000 रुपए की आय कम हो गई और जिसने लिए उसकी 10,000 रुपए की आय बढ़ी, तो ये तीनों तो राष्ट्रीय आय है, दैट मीन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। तो हस्तांतरण भुगतान किस में सम्मिलित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मद राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं है। तो राष्ट्रीय आय की विशेषताएं मैंने आपको बताई थी, क्योंकि एनआई में आर्थिक क्रियाओं अथवा प्रतिफल की उम्मीद में किए गए कार्य का मूल्य शामिल होता है, तो इसमें नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी कौन सी होती है, वही इसका सही जवाब है, शामिल होती है। तो देखिए पहला ऑप्शन है, एक हाउसवाइफ अपने घर में काम करती है,
विद्यालय में ट्यूशन फीस का भुगतान होता है। गाना गाने हेतु दिया गया पारिश्रमिक बिस्कुट के विक्रय से प्राप्त आय, तो ये तीनों तो क्या है, ये तीनों तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्रतिफल की उम्मीद में, कमाई की उम्मीद में, उत्पादन की उम्मीद में किया गया कार्य है। तो जो हाउसवाइफ काम करती है घर में, उसका उद्देश्य कोई पगार या प्रतिफल प्राप्ति नहीं होता, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक। और लगभग लगभग सभी क्वेश्चन के आप जवाब सही दे रहे हैं, इसका भी जवाब आपका सही है। टू बी नेक्स्ट, निम्न में से गलत समीकरण बताइए, विशुद्ध बराबर सकल माइनस घिसावट। तो ये तो सही बात है, सकल और शुद्ध का अंतर घिसावट के बराबर होता है, मैंने लिखवाया भी था। विशुद्ध और सकल का अंतर किसके बराबर होता है, घिसावट के बराबर। दैट मीन्स विशुद्ध बराबर सकल माइनस घिसावट, तो ये तो सही बात है। और इसमें पूछा है गलत, बाजार मूल्य बराबर साधन लागत प्लस विशुद्ध परोक्ष कर, ये भी सही बात है। देखिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, एफसी बराबर एमपी माइनस आईटी प्लस एस। अब ये जो इतना सा है, यानी ये, इसको बोलते हैं विशुद्ध परोक्ष कर। इसको क्या बोलते हैं, विशुद्ध परोक्ष कर। इसका मतलब अगर एग्जामिनर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आईटी और एस अलग अलग नहीं दे और दोनों का योग करके दे दे, तो उसकी जगह लिख सकता है विशुद्ध परोक्ष कर। इसका मतलब ये भी सही बात है। खर्च योग्य आय बराबर उपभोग व्यय प्लस बचत, तो ये भी सही बात है। इसका मतलब एक ऑप्शन बचता है, साधन लागत बराबर बाजार मूल्य माइनस सब्सिडी, जबकि बाजार मूल्य में से अप्रत्यक्ष कर घटता है और सब्सिडी जुड़ती है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर चार। इसके जवाब में भी आप लोग सही हैं, सही जवाब है आपका। नंबर नेक्स्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का अंतर किसके बराबर होता है, तो ये तो सिंपल सी बात है, सकल और विशुद्ध का अंतर मूल्य ह्रास के बराबर होता है। सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी डेप्रिसिएशन। सकल में से अगर डेप्रिसिएशन की राशि घटा दें तो वो विशुद्ध बचता है, इसका जवाब भी आपका सही आते जा रहा है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरी गणना से बचने के लिए या दोहरी गणना की समस्या को दूर करने के लिए राष्ट्रीय आय में किस मद को सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से घटाया जाता है। तो राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना से बचने के लिए केवल अंतिम वस्तु एनआई में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को ही शामिल करते हैं। तो पूंजी उपभोग व मध्यवर्ती वस्तु, प्रत्यक्ष कर, परोक्ष कर, तो इसका सही जवाब है मध्यवर्ती, क्योंकि वस्तु प्राथमिक, मध्यवर्ती और अंतिम होती है। तो राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना ना हो, इसके लिए अंतिम वस्तु और सेवा के मूल्य को शामिल करते हैं। अंतिम वस्तु और सेवा वे वस्तुएं और सेवाएं होती हैं जिन्होंने उत्पादन का संपूर्ण दौर पार कर लिया हो और डायरेक्ट अब वो उपभोग के लिए तैयार हों। जैसे मैंने आपको ऑप्शन भी दिए थे, एक ऑप्शन दिया था कपास, एक ऑप्शन दिया था पिज्जा, एक ऑप्शन आलू, एक ऑप्शन तेल। अगर ये चार ऑप्शन हो और इसमें से ये पूछा जाए राष्ट्रीय आय में किस वस्तु की कीमत को शामिल करेंगे, तो इन चारों में अंतिम वस्तु जो उत्पादन के सभी चरणों को पार कर चुका है वो है पिज्जा। तो उसी पैटर्न का ये क्वेश्चन था, बी नंबर ऑप्शन सही है, आपका जवाब भी सही है। नेक्स्ट,
विशुद्ध परोक्ष कर ज्ञात किया जाता है, तो जस्ट अभी बताया गया है विशुद्ध परोक्ष कर क्या होता है, आईटी इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का अंतर होता है, माइनस आईटी प्लस एस का अंतर होता है, किस में से किस में, तो सकल परोक्ष कर माइनस ब्याज, तो इसमें तो माइनस 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 है, तो ये तो तीनों गलत हो गए और इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। सिंपल क्वेश्चन था। नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय की विशेषता क्या नहीं है, तो राष्ट्रीय आय, मैंने अब ये स्टॉक और प्रवाह से संबंधित है, देखें राष्ट्रीय आय की विशेषता नहीं है तो जो है वो तो सही नहीं होगा। राष्ट्रीय आय एक प्रवाह है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि स्टॉक नहीं है, राष्ट्रीय आय प्रवाह है, जो लगातार चेंज होती रहे, घूमती रहे, वो प्रवाह है। इसका संबंध एक वर्ष से है, बिल्कुल सही बात है। इसमें अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य को शामिल करते हैं, ये भी सही बात है। इसमें अनुत्पादक क्रिया शामिल होती है, ये गलत बात है, और ये ही इसलिए सही जवाब है क्योंकि राष्ट्रीय आय में केवल उत्पादक क्रियाओं को शामिल करते हैं, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को ही शामिल करते हैं, नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज या प्रतिफल की उम्मीद में किया गया कार्य राष्ट्रीय आय का हिस्सा होता है, गैर प्रतिफल की उम्मीद में किया गया कार्य शामिल नहीं होता। इस क्वेश्चन का जवाब भी आप सब लोगों का सही है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की मौलिक अवधारणा कौन सी है, तो राष्ट्रीय आय की आपने 9 अवधारणाएं देखी है, जिनमें 4 अवधारणाएं तो बाजार कीमत टैक्स तो माइनस ही होगा नंबर क्वेश्चन में। हाँ बिल्कुल सूरत सही है, कैसे भी करके देख सकता है, 16 नंबर क्वेश्चन में वही ऑप्शन सही है। तो राष्ट्रीय आय की मौलिक अवधारणा कौन सी होती है, तो राष्ट्रीय आय की पहली अवधारणा, मौलिक अवधारणा कौन सी होती है, मैंने मापने की विधियां बताई थी, तो जीएनपी बराबर जीएनआई बराबर जीएनई, और ये तीनों के द्वारा जो राष्ट्रीय आय ज्ञात होती है वो कौन सी होती है, जीडीपी एमपी। तो राष्ट्रीय आय की बेसिक जो कंसेप्ट है वो है जीडीपी एमपी। इसके बाद कुछ कंसेप्ट को इसमें जोड़कर घटाकर और अलग अलग अवधारणाएं ज्ञात की जाती हैं, तो इसका सही जवाब है जीडीपी एमपी। राष्ट्रीय आय की मौलिक या बेसिक या पहली अवधारणा कौन सी होती है, जीडीपी एमपी। अब जीडीपी एमपी में से डी घट जाएगा तो एनडीपी एमपी जुड़ जाएगा, बन जाएगा। तो कुल मिलाकर आप ये मानिए राष्ट्रीय आय की मौलिक अवधारणा, और पढ़ाते समय ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था, और आपका जवाब इसका ए आ रहा है जो कि गलत है। राष्ट्रीय आय की बेसिक अवधारणा है जीडीपी एमपी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय क्या होती है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सेकंड ग्रेड एसएसटी में यह क्वेश्चन जितनी बार भी 2010 से आज तक पेपर आयोजित हुए हैं उन तमाम पेपरों में यह क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया भी था राष्ट्रीय आय की एनआई की गणना एफसी पर की जाती है। एमपी का मतलब क्या है, कितने रुपए का काम किया गया, एफसी का मतलब काम के बदले काम करने वालों को कितना दिया गया, जो जिनको दिया गया उनकी तो इनकम है लेकिन देने वाले के दृष्टिकोण से क्या है, लागत, किसके लिए लागत है, साधनों के लिए लागत। इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना किस पर की जाती है, एफसी पर, और इस आधार पर चाहे एनआई कह दो और चाहे एनएनपी एफसी कह दो, एक ही बात होती है। तो ये और ये दोनों एक ही बात होती है, और एनएनपी एफसी का या एनआई का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एनएनपी एमपी
NNPMP माइनस IT और प्लस S। देखिए सीधी सी बात है, मैंने कितने रुपए का काम किया मेरा कल्याण मेरा भला उस पर निर्भर नहीं करेगा। काम के बदले मुझे कितना रुपया मिला मेरा भला मेरा कल्याण उस पर निर्भर करेगा, और मुझे जो मिला काम के बदले वो मेरी इनकम है, लेकिन देने वाले की क्या है, लागत है। किसके लिए लागत है? मेरे लिए। और मैं क्या हूं? इनके लिए एक साधन हूं। तो ऑप्शन नंबर, अब इसको लैंग्वेज में पूछा गया है तो NNPFC ही राष्ट्रीय आय होती है, तो FC का मतलब जिसमें बाजार कीमत दिया हुआ है, वो तो गलत जवाब हो गए। बात बची इन दो की, तो ये साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब है। आप सभी का जवाब इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की सबसे व्यापक अवधारणा कौन सी होती है? तो देखिए राष्ट्रीय आय की जो अवधारणाएं हैं उनकी दो आधारों पर गणना की गई थी, एक तो MP पर और एक FC पर। अब देखिए MP और FC में से कंपेयर करें तो MP FC से बड़ा होता है, MP FC से बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि MP में से IT तो घटने वाली राशि बड़ा अमाउंट होती है और सब्सिडी जुड़ने वाली अमाउंट छोटी राशि होती है। इसका मतलब ये जवाब तो हो गया गलत। बात बची इन 3 की। अब MP जो होती है, MP जो होता है वो भी दो प्रकार का होता है, एक तो सकल और एक तो सकल और एक विशुद्ध। सकल और एक है विशुद्ध। अब जाहिर सी बात है सकल में D घट जाता है तो विशुद्ध छोटा हो जाएगा, इसका मतलब सकल बड़ा होता है। और सकल दो होती है, एक तो GDP और एक GNP। तो राष्ट्रीय आय की सबसे बड़ी अवधारणा होती है GNP MP, GNP MP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये इसकी सही बात है। आकार में जिसका मैथमेटिकल डाटा, भाई राष्ट्रीय आय क्या होती है, एक डिजिट होगी, तो जिसका डिजिट सबसे बड़ा होगा वो डिजिट होगा GNP MP का। सूरज आपने 3 नंबर बताया, ये गलत है। GNP MP में से डेप्रिसिएशन घटेगा तभी तो NNP बचेगा, तो ये तो छोटी हो गई बड़ी कहां हुई। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब है। अनिशा आप सही हैं इस क्वेश्चन के जवाब में। नंबर नेक्स्ट, देश की वास्तविक आय में वृद्धि का तात्पर्य क्या है? देश की वास्तविक आय में वृद्धि का तात्पर्य क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मान सकते हैं। देखिए आय दो प्रकार की होती है, एक तो होती है मौद्रिक आय, एक तो होती है मौद्रिक आय और एक होती है वास्तविक आय, वास्तविक आय। मौद्रिक आय आपकी मान लीजिए 25,000 रुपया है, और 25,000 रुपये जब आपकी मौद्रिक आय थी तब एक्स वस्तु को आप 100 के भाव से और 10 इकाई खरीदते थे, इसका मतलब आप इस पर खर्च करते थे 1,000 रुपया। अब मौद्रिक आय तो अब भी इतनी होनी चाहिए, मौद्रिक आय में कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपकी एक्चुअल इनकम बढ़नी चाहिए, तो यहां से कुछ खर्चा कम होगा तभी तो होगा। तो भाव तो क्या हो, कम हो और मात्रा उतनी ही हो, तो इकाई तो आप 10 ही खरीदें, लेकिन अब इसका भाव क्या हो जाए 80 रुपया, तो आप 800 रुपया खर्च करेंगे और आपका उपभोग का स्तर कोई नहीं बदलेगा, तो इस स्थिति में 200 रुपये आपकी वास्तविक आय बढ़ेगी। ये इस क्वेश्चन का मतलब है। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि वस्तु के भाव 100 से 80 कब होंगे, वस्तु के भाव 100 से कम 80 कब होंगे, जब देश में इस वस्तु का उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो लागत गिरेगी, लागत गिरेगी तो वस्तु की कीमत भी गिरेगी। कीमत के गिरने से भले ही मॉनेटरी इनकम में इंक्रीमेंट ना हो, लेकिन एक्चुअल इनकम में इंक्रीमेंट होता है। दैट मीन्स इसका राइट आंसर है उत्पादन के स्तर में वृद्धि, उत्पादन के स्तर में वृद्धि। कीमत स्तर में वृद्धि होगी तो वास्तविक आय घटेगी, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी
तो इस बात की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि महंगाई भी बढ़ सकती है, तो उत्पादन के स्तर में वृद्धि होने पर एक्चुअल इनकम बढ़ती है, और इस प्रोसेस के माध्यम से मैंने इसको आपको ब्रीफली समझाया भी है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे अच्छा क्वेश्चन था ये, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो लगभग लगभग इस एक क्वेश्चन के द्वारा आप औरों से कई गुना आगे निकल सकते हैं। नंबर नेक्स्ट, आर्थिक विकास का सूचक क्या होता है? तो ये तो पहले भी बताया था, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। अगर पर कैपिटल इनकम बढ़े, लेकिन यहां पर ये चीज और याद रखना, केवल घरेलू स्तर पर, घरेलू स्तर पर आर्थिक विकास का सूचक होता है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना। अगर आपकी पर कैपिटल इनकम बढ़ रही है, हर आदमी की इनकम बढ़ रही है, तो ये पुख्ता प्रमाण है कि आपका देश आगे बढ़ रहा है। नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज सम्मिलित किया जाएगा। तो राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज क्या है? एक हस्तांतरण भुगतान है, और हस्तांतरण भुगतान राष्ट्रीय आय का भाग नहीं होता, लेकिन किसका भाग होता है? निजी आय का। राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज किसका भाग होगा? निजी आय का। ये थोड़ा सा करेक्शन करिए, इसमें आम की जगह आय है, निजी आय का ये भाग होगा। नंबर नेक्स्ट, सकल व शुद्ध का अंतर किसके बराबर होता है? तो ये क्वेश्चन कई बार हो चुका, मूल्यह्रास के बराबर होता है, सिंपल क्वेश्चन है। नंबर नेक्स्ट, बचत और उपभोग का योग किसके बराबर होता है? तो व्ययोग्य आय के बराबर होता है। ये भी कई, और ये क्वेश्चन रिपीट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जितनी बार एग्जाम में पूछे गए हैं उतनी बार ये रिपीट हो रहे हैं, तो जो जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनको आप खासा एग्जाम ओरिएंटेड इंपोर्टेंट मान के चले। ओके, नंबर नेक्स्ट, प्रत्यक्ष कर की राशि कौन सी आय से अदा की जाती है? तो निजी आय को तो बोलते हैं प्राइवेट इनकम, और व्यक्तिक आय को बोलते हैं पर्सनल इनकम। हालांकि ये पर्सनल इनकम प्राइवेट इनकम का ही भाग होता है, लेकिन प्रत्यक्ष कर की राशि जो दी जाती है वो व्यक्तिक आय से यानी पर्सनल इनकम से दी जाती है। साधारण क्वेश्चन था, कई बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की उपभोग पर आधारित परिभाषा का प्रतिपादन किसने किया? तो देखिए, राष्ट्रीय आय की जो परिभाषाएं हैं, एनआई की परिभाषा, और ये मैंने बताया भी था कि परिभाषा का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो दो आधारों पर दी गई है, एक तो उत्पादन पर आधारित और एक उपभोग पर आधारित। उत्पादन पर आधारित परिभाषा दो दी गई है, एक तो प्रोफेसर मार्शल, एल्फ्रेड मार्शल की, और एक एसी पिगो की, और उपभोग पर आधारित परिभाषा इरविंग फिशर ने दी थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर चार। पढ़ाते समय इसको पूरा ब्रीफली आपको बताया भी था, इसका जवाब भी लगभग क्वेश्चन आप सही दे रहे हैं, बीच में एक आध का जवाब आपका कुछ एक स्टूडेंट का गलत था। नेक्स्ट, अब ये राष्ट्रीय आय को मापने की विधियों के प्रश्न है, जो कि सिंपल है। भारत में राष्ट्रीय आय को के अनुमानों में प्रयुक्त मिश्रित विधि, इसका मतलब भारत के कुछ क्षेत्रों में तो उत्पादन विधि और कुछ क्षेत्रों में आय विधि काम में ली जाती है, तो ये विधि का जनक या प्रतिपादक कौन है? तो डॉक्टर वी के आर वी राव इसके भारत में जनक माने जाते हैं, प्रतिपादक माने जाते हैं। सामान्य क्वेश्चन है इसलिए मैं अविलंब, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र में राष्ट्रीय आय को मापने की व्यय विधि का प्रयोग किया जाता है? तो पहले भी आया था विनिर्माण, कई बार तो निर्माण आ जाता है, कई बार विनिर्माण, और ऐसा ये एकमात्र क्षेत्र है, इसके अलावा किसी भी क्षेत्र में इस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है, और आपके जवाब लगभग सही आते जा रहे हैं। नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां, तो मापने की विधियां तीन होती हैं, उत्पादन आय और व्यय, और उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, तीनों में से कोई सी भी विधि आप अपनाओ, ये आपके देश की टर्म्स ऑफ कंडीशन पे डिपेंड करता है।
लेकिन तीनों विधियों के द्वारा जो राष्ट्रीय आय आप कैलकुलेट करोगे, उन तीनों के द्वारा राष्ट्रीय आय का जो मेजरमेंट होगा वो आपस में एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। ओके, तो इस लिहाज से इसका राइट आंसर हो जाएगा जीएनपी बराबर जीएनआई बराबर जीएनआई जीएनई, यानी उत्पादन आय और व्यय तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ओके, तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तीन नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय की माप की व्यय विधि का बीजगणितीय रूप क्या होता है? तो देखिए, देश में खर्चा कौन करता है? देश में खर्चा करता है या तो जनता, और जनता के दो रूप है, उपभोक्ता जनता और निवेशक जनता, और या खर्चा करती है सरकार, और या खर्चा होता है शेष विश्व पर, शेष विश्व पर। तो एक साल में आपके देश के कंज्यूमर्स ने जितना खर्चा किया वो सी से इंडिकेट किया गया है, जितना इन्वेस्टमेंटर ने खर्चा किया वो आई से, जितना गवर्नमेंट ने खर्चा किया वो जी से, और शेष विश्व पर निर्यात और आयात पर जो खर्चा हुआ वो एक्स माइनस एम, इन चारों का योग कर दें तो वही देश की आय होती है। ये व्यय विधि का है, यानी एक साल आपके देश में जो टोटल जितना व्यय किया गया उसका योग करें तो तीनों चारों का योग होगा। तो इस लिहाज से इसका राइट आंसर है, आप सब सही है, ऑप्शन नंबर बी, दो नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब है। नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय को मापने की सामाजिक लेखांकन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो रिचर्ड स्टोन अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं, और भारत जैसे देशों में यह विधि सफल नहीं है, और इसका आधार क्या है? आय वर्ग, यानी समाज को आय के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया जाए, और उसके आधार पर सैंपलिंग के द्वारा, जो कि आपको सांख्यिकी में टॉपिक पढ़ना भी है, सैंपलिंग के द्वारा औसत के आधार पर उस इंडिविजुअल वर्ग की टोटल इनकम कैलकुलेट कर दी जाए, और तमाम वर्गों की जो टोटल इनकम है उनको आपस में जोड़ दिया जाए और वो राष्ट्रीय आय होती है। टू बी नेक्स्ट, किस विधि को मूल्यवर्धन, तो उत्पादन का मतलब ही मूल्यवर्धन होता है, तो उत्पादन बराबर मूल्यवर्धन एक ही बात है, तो उत्पादन विधि को ही मूल्यवर्धित विधि भी कहते हैं। साधारण प्रश्न था। नेक्स्ट, भारत के सबसे बड़े असंगठित क्षेत्र कौन सा है? कृषि क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र का मतलब क्या होता है? जिसमें काम करने का समय, रीति, वस्तु की कीमत, वस्तु को बेचने का तरीका आदि में असमानता होती है, उसको असंगठित क्षेत्र बोलते हैं। तो कृषि क्षेत्र में कौन सी विधि अपनाई जाती है? उत्पादन विधि। कौन सी? उत्पादन विधि। नंबर नेक्स्ट, निम्न में से स्टॉक चर है, तो स्टॉक क्या होता है? समय बिंदु पर चर की कुल पूर्ति को स्टॉक कहते हैं। तो बचत तो क्या होती है? प्रवाह, क्योंकि आपके पास जो बचत है उसको या तो आप डिपॉजिट करवाओगे, उधार दोगे, और आय भी क्या है? प्रवाह है। आय भी क्या है? प्रवाह है। मुद्रा व्यय भी क्या है? प्रवाह है। और इसका जवाब आपका गलत है, स्टॉक चर है बचते, एक की बचत, दो की बचत। अगर आपने 35 नंबर क्वेश्चन का जवाब तीन दिया है तो गलत हो, और उससे पहले वाले क्वेश्चन का जवाब शायद इसका दिया है तो आप सही हो। 35 का जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आप सब लोग सही हैं। नेक्स्ट, भारत के लिए राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान
1868 में, जबकि उस समय प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 रुपए थी, किसने लगाया था? तो दादाभाई नौरोजी ने, दादाभाई नौरोजी ने लगाया था, 1868 में लगाया था। और इस बात के साक्ष्य कैसे मिलते हैं इन्होंने लगाया था? तो नेक्स्ट, भारत के लिए राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक अनुमान 1931-32 में लगाया गया, और इस समय प्रति व्यक्ति आय 62 रुपए थी, और प्रति ये अनुमान लगाया था डॉक्टर वी के आर वी राव ने। तो पहला अनुमान तो दादाभाई नौरोजी, और पहला वैज्ञानिक अनुमान डॉक्टर वी के आर वी राव। अब डॉक्टर वी के आर वी राव ने भारत के लिए राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया, इस बात के साक्ष्य कहां मिलते हैं? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, एग्जाम के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1868 में जो लिखी गई, प्रकाशित तो हुई थी 1901 में, और ये किताब है दादाभाई नौरोजी, दादाभाई नौरोजी। यहाँ पे एक चीज और ऐड कर लीजिएगा, इस किताब का जो प्रकाशन हुआ वो हुआ 1901 में, लिखी तो गई थी 1868 में और इसका प्रकाशन हुआ 1901 में। बिल्कुल सही है सूरज आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत का आधार वर्ष क्या है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और वर्तमान भारत में आधार वर्ष है, मुद्रा स्फीति में भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय में भी। तो आधार वर्ष है 2011-12, 2011-12, और प्रथम आधार वर्ष क्या था? प्रथम आधार वर्ष था 1948-49। नेक्स्ट, CSO सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन और ऑफिस के संदर्भ में सत्य को छांटिए, तो इसकी स्थापना 51 में हुई थी, सही बात है। इसकी सिफारिश माल लोबिस ने दी थी, स्थापना की सिफारिश, और इनका DOB, इनका जो जन्मदिन है, डेट ऑफ बर्थ, वो है 29 जून, और 29 जून को आज तक भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सांख्यिकी का भी अध्ययन करेंगे, तो भारत में सांख्यिकी का जनक भी ये कहलाते हैं, भारतीय सांख्यिकी के जनक, सांख्यिकी के, भारतीय सांख्यिकी के जनक भी कहलाते हैं, ये भी सही बात है। और CSO ने पहला अनुमान 1955-56 में लगाया था, बिल्कुल सही बात है। तो ये सारी ही इसकी सही बात है, क्योंकि 1948 से लेकर और 1954 तक भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता रहा था भारत का वित्त मंत्रालय। पहली बार ये काम शिफ्ट किया गया CSO को 1954 में, और यही कारण है कि 54 के बाद जो वित्त वर्ष है 55-56, उसके लिए अनुमान लगाया गया जो प्रकाशित हुआ 1956 में। नंबर नेक्स्ट, राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये पिछली बार RS के एग्जाम में भी पूछा गया था, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, भारत में तो क्या है, भारत में तो इसका आधार वर्ष वही है, सेम 2011-12, लेकिन राज्यों में, राजस्थान के साथ राज्यों में WPI का जो आधार वर्ष है वो है 1999-2000। ये एग्जाम में पूछा जा सकने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय के इतिहास में कन्वेंशनल सीरीज किसे कहते हैं? कन्वेंशनल का मतलब होता है पौराणिक, ऐतिहासिक या परंपरागत। तो जो पहला आधार वर्ष बना था, इसमें चारों ही गलत है, लिखना भूल गया, कन्वेंशनल सीरीज मैं इसमें ऐड कर देता हूं, 1948-49, ये अधूरा है प्रश्न, इसके चारों ही ऑप्शन गलत हैं। इसका सही जो जवाब है 1948-49 है। कन्वेंशनल सीरीज किसे कहते हैं? तो 1948-49, और ये भारत का
प्रथम आधार वर्ष भी था, प्रथम आधार वर्ष भी था। कवायद ये की गई कि हर पांच साल से आधार वर्ष को बदल दिया जाएगा, लेकिन जो पहला आधार वर्ष बना 1948-49 वो आगामी 17 सालों तक राष्ट्रीय आय के अनुमानों में काम में लेता रहा गया। इसलिए 1948-49 लगातार आगे साल दर साल वाले जो वर्ष है उनके लिए पुराना होता गया और पुराना परंपरागत ऐतिहासिक वही कन्वेंशनल कहलाता है। हाल ही में CSO और NSO ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप खास तौर पर याद रखना। CSO और NSSO को मर्ज करके NSO अस्तित्व में आया, और CSO का काम क्या था, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना, NI का अनुमान लगाना। NSSO का काम क्या था, बेरोजगारी के अनुमान लगाना। और ये दोनों टॉपिक आपके एग्जाम में है, इसलिए आज अगर ये पूछा जाए, जबकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है, तो तत्कालीन इसका सही जवाब था CSO। बेरोजगारी का अनुमान कौन लगाता है, तो तत्कालीन इसका सही जवाब है NSSO, लेकिन अब इसका सही जवाब है NSO। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। और इन दोनों को मर्ज करते हुए NSO यानी नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, इसकी स्थापना की गई थी 23 मई 2019 को। ये डेट याद रखना। 1950-51 से 2015-16 के मध्य प्रति व्यक्ति आय में सर्वाधिक वृद्धि दर कब दर्ज की गई, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, 2007-08 में दर्ज की गई थी। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया करते हैं और ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न ही है। तो 2007-08 में प्रति व्यक्ति आय इस अंतराल में सबसे ज्यादा बढ़ी थी। वर्तमान भारत के लिए राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है, तो जस्ट अभी आपको बताया है NSO। नीति आयोग तो क्या करता है, गरीबी और बेरोजगारी भी आप पढ़ेंगे, गरीबी के अनुमान। CSO और NSSO क्या हो गए, अर्थहीन, क्योंकि इन दोनों को मर्ज करते हुए क्या बना, क्या स्थापित कर दिया गया, NSO। राष्ट्रीय आय के इतिहास में श्वेत पत्र किसे कहते हैं, तो पहला अनुमान जो CSO ने लगाया था, पहला अनुमान 1900 CSO द्वारा NI का प्रथम अनुमान, और ये अनुमान लगाया गया था 1955-56 में, और इसको ही व्हाइट पेपर की संज्ञा दी गई। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय से आशय क्या है, तो राष्ट्रीय आय का मीनिंग पूछा है और ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, मुझे विश्वास है। किसी देश की सरकार की एक वर्ष की कुल आय, गलत बात है। किसी देश की केंद्रीय सरकार की कुल आय, गलत बात है। एक राष्ट्र के नागरिकों की एक वर्ष की शुद्ध आय, सही बात है। तो एक वर्ष में किसी देश के नागरिकों के द्वारा, चाहे वो भारत में रहे हों और चाहे वो विदेशों में रहे हों, उनके द्वारा अर्जित की गई आय का मौद्रिक मूल्य ही राष्ट्रीय आय होता है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब है। नंबर नेक्स्ट, हस्तांतरण भुगतान में ऐसे भुगतानों को का संदर्भ लिया जाता है जो बनते हैं माल तथा सेवाओं की किसी विनिमय के बिना, श्रमिकों को एक कार्य से दूसरे कार्य पर हस्तांतरण करने पर, कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति के रूप में, माल तथा सेवाओं के किसी विनिमय के बिना, श्रमिकों को एक कार्य से दूसरे कार्य पर हस्तांतरण होने, वो तो इनकम हो गई, तो ये तो गलत बात है। कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति के रूप में, वो भी इनकम है। तो उत्पादन के बिना जो लेन देन होता है वो ही हस्तांतरण भुगतान कहलाता है, माल तथा सेवाओं के किसी विनिमय के बिना। तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब है। हस्तांतरण भुगतान का मतलब एक पक्ष ने लिया, दूसरे ने दिया, जबकि प्रोडक्टिविटी में कोई चेंज नहीं हुआ,
तो वो नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी है और वो हस्तांतरण भुगतान है, जैसे पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, सामाजिक सुरक्षा में अंशदान आदि। नेक्स्ट, वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मान क्या होगा? अच्छा प्रश्न है, मौद्रिक और वास्तविक। तो मौद्रिक सकल राष्ट्रीय उत्पाद गुणा, अब देखिए इसमें जो आधार होता है, आधार को हम लिखते हैं हर में और स्वतंत्र चर को लिखते हैं अंश में। तो इसमें चालू वर्ष की कीमतों के आधार पर आधार वर्ष में कीमत स्तर को मल्टीप्लाई करके, तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। और फाइनली लास्ट क्वेश्चन, वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद रियल जीएनपी, तो एक तो होती है मॉनेटरी जीएनपी और एक होती है रियल जीएनपी। अभी थोड़ी देर पहले आपसे परिचर्चा भी की थी वास्तविक और मौद्रिक में अंतर, तो वास्तविक मौद्रिक से ज्यादा होता है। रियल जीएनपी कब बढ़ेगी? यदि कीमतें गिर रही हैं, यदि आयात निर्यात से अधिक है, तो ये भी गलत बात है, यदि निर्यात ज्यादा है और आयात कम है तो रियल जीएनपी बढ़ेगी। तो ये लास्ट क्वेश्चन और इसका जवाब था 50। तो दोस्तों, संकल्प परिवार आपके उज्जवल भविष्य और आपके सिलेक्शन तक आपको पहुंचाने के लिए वचनबद्ध है और लगातार यहाँ से इस मंच से ऐसी कोशिश जारी रहेगी। पहले भी जारी होती रही है, वर्तमान में भी जारी है और इन फ्यूचर भी जारी रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगामी जो 14 अक्टूबर को संगणक का पेपर आयोजित होगा, जबकि ये जो टॉपिक है नेशनल इनकम, ये संगणक के अलावा भी लगभग सभी एग्जाम्स में सिलेबस को कवर करते हुए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, क्लास में पढ़ाया भी था और इसका जो संभावित क्वेश्चन है वो भी आपसे शेयर किया। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो से लाभान्वित होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको पढ़िएगा ताकि आपके अध्ययन में आप आसानी महसूस करें। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप और आपके परिवार की सुखद कामना के साथ मैं ओपी जगू का पूरे संकल्प परिवार की ओर से आपको बधाई देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो के इंतज़ार तक आप सभी को विद इंक्लूड योर फैमिली मेम्बर्स हैव ए नाइस डे। थैंक यू।